गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आज के नए ब्लॉग पे। तो आज की शुरुआत हो रही है, 10 बज चुके हैं और बाहर का मौसम मैं आपको दिखा देती हूँ। तो रात के 12 से यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई थी और नॉन स्टॉप बारिश लगातार हुई जा रही है। बहुत ही रिमझिम चल रही है, देख सकते हो आप। अरे देखो हमारा तिरपाल चल रहा है। बाहर मत जाना बेटा, आजा अंदर। तो मैं हूँ अंदर और आजा आजा जल्दी आ। तो अब थोड़ी बहुत आज रील बनाने का मन कर रहा है क्योंकि बहुत दिन हो गए रील वगैरह नहीं बनी है, तो एक दो रील भी बना लेती हूँ। बाबू मत कर, कह रही हूँ। और इसके तो बस उल्टे काम ही रहते हैं। ये रहा मेरा बड़ी शानदार सा बिस्तर लगा हुआ है, यहीं पे सोना है मुझे। तो पहले मैं थोड़ी बहुत रील बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को और बताते रहूँगी आज का मौसम। तो गाइज मेरे वीडियोज पे और मेरे शॉर्ट वीडियोज पे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, नए नए लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो परमदीप सिंह करके कोई भैया जी हैं, तो उन्होंने मेरे से पूछा है कि आप कहाँ से हो और कहाँ रहती हो। तो मैं हूँ उत्तराखंड से, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में रहती हूँ। और पिथौरागढ़ जिले में एक छोटा सा गांव है रस्यापाटा, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा पर मेरे गांव का नाम है रस्यापाटा भैसूरी। तो मेरे जो पड़ता है बुआ फालेज से 11 किलोमीटर अंदर की ओर चंडिका घाट के जस्ट ऊपर। तो पहले हमारा गांव पड़ता है, फिर उसके बाद चंडिका घाट लगती है। तो बहुत लोग चंडिका घाट के बारे में जानते होंगे, तो मैं चंडिका घाट के ही गाँव में रहती हूँ। हमारा स्कूल है, स्कूल के पास ही हमारा गांव है, रस्यापाटा इंटर कॉलेज करके स्कूल है। तो उसी के बगल में मेरा गांव है, मतलब स्कूल के ही अंदर मेरा गांव आता है। हाँ भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे कमेंट किया और मेरे साथ। तो ये मुझे ना अच्छे से ब्लॉग भी नहीं बनाने देते, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इन लोगों को। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो गाइज बारिश नॉन स्टॉप चल रही है, पूरे मतलब 12 घंटे हो चुके हैं नॉन स्टॉप बारिश लगी हुई है, देख सकते हो आप। और ये बारिश ना पहाड़ों में बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी, बहुत जगह कर भी चुकी है और बहुत जगह करेगी भी, ऐसा ही लग रहा है अब। और ये देख सकते हो हमारे मैंगो, कहाँ गई मेरी मैंगो। चलो चलो अंदर चलो। तो मन कर रहा है कि कच्चा कच्चा आम खाए पर कैसे जाए बाहर। तो गाइज बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और अभी तो बहुत सारा काम भी है, अभी तो हमने गुड़ाई वगैरह कुछ भी नहीं कर रखी है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइज गर्मा गर्म मैगी मिल चुकी है हमें, मैं और मेरी बेटी खा रहे हैं बैठ के। और बारिश के मौसम में मैगी या पकौड़े मिल जाए तो बात ही अलग है। तो अब मैं यहाँ पे बैठ चुकी हूँ, तो इधर सो जाती हूँ, क्या करूँ, फिर काम धंधा कुछ है नहीं। बारिश नहीं आती तो खेत में जाती, खेतों का काम तो हो जाता पर बारिश ने सारा बिगाड़ दिया है। पर जिस साइड को रुपाई होती है ना वहाँ बहुत अच्छा है। और इस साल हम सोचे हैं कि सेराकोट जाए और डीडीहाट का गाँव देखूँ। तो मैं ना गीत खाती ब्लॉग करके देखती हूँ, मुझे ना उनके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर मैं वहाँ आई तो ना पक्का वहाँ जाऊँगी, कहा जाती हमारे यहाँ से बहुत दूर होता है। अभी खाती हूँ, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। भैया खुशी लानी। तो हेलो गाइज, मैं आपको मिल रही हूँ दूसरे दिन। और दूसरे दिन के बज रहे हैं अभी 11:30। तो अभी मैं जा रही हूँ दुकान, और कल मैं अपना ब्लॉग पूरा नहीं कर पाई क्योंकि बच्चों ने इतना परेशान कर दिया था। ये बच्चे 11 तक नहीं सोए और अभी बारिश थोड़ा रुकी है और नॉन स्टॉप बारिश चली जा रही है। तो अभी मैं जा रही हूँ दुकान की ओर, थोड़ा सामान ख़त्म हुआ था तो दीदी ने कहा कि तू ला दे, तो अभी मैं वहीं जा रही हूँ सानों को लेकर के। और ये देखो मौसम कुछ इस तरह से है। ओ नो, फिर से बारिश आ गई और मैं छतरी लाना भूल गई, अल्लाह गुल गया था। और ये देखो हरी हरी घास,
हमारी। पहले यहाँ ना बिल्कुल घास नहीं होती थी, पूरी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी यहाँ, और फिर मैंने यहाँ पूरा सफाई किया तो घास उग गई। इतना बड़ा 4 फुट का बच्चा, 4 फुट का जो कहे 2 फुट का बच्चा, नहीं 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 नहीं। तो गाइज ये है हमारे यहाँ का स्कूल, देख सकते हो आप, इंटर कॉलेज। सानू रुको, सीधे घर चलना।